नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ बिहार। मैं हूँ आपके साथ खुशखबरी। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैं आरजे जी कार्यालय के पास मौजूद हूँ। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स लगे हुए हैं। और मैं बता दूँ कि ये पोस्टर और बैनर्स कल की तैयारी के लिए लगे हैं। जी हाँ, कल 25वां स्थापना दिवस है आरजेडी का, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का। कल की तैयारी कहीं ना कहीं जोर शोर से हो रही है, लोगों में खुशी दिख रही है। आरजेडी के कार्यकर्ताओं लोगों में एक और जहां कल आरजेडी पार्टी का 25वां स्थापना दिवस समारोह है, इसी ओर आप बैनर में देख सकते हैं लोक जनशक्ति पार्टी की आशीर्वाद यात्रा, जो कि ये भी कल ही 5 जुलाई को निकाली जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 5 जुलाई को रामविलास पासवान जी का जयंती था, जो जयंती समारोह पे उनके कार्यकर्ताओं एलजेपी द्वारा कल आशीर्वाद यात्रा निकाला जाएगा उनके जमीन हाजीपुर से। देखना है कल क्या होता है, कौन सी पार्टी कितने मजबूती तरीके से अपने अपने समारोह को प्रस्तुत करता है। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद है, हम उनसे पूछताछ करेंगे कल के लिए कि कल क्या होने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल अपने 25वें वर्ष में युवा अवस्था में पहुंचा है और सिल्वर जुबली स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे पास युवा नेतृत्व करता है, इसका बल राष्ट्रीय जनता दल को प्राप्त हुआ है और 25वें वर्षगांठ को सिल्वर जुबली स्थापना दिवस को जोश और खरोश के साथ, उमंग उत्साह के साथ मनाने का काम 2 दिवसीय मनाया जाएगा। आज से 2 बजे से ही यह शुरू हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष उद्घाटन करेंगे। सभी देश के गरीबों में एक उत्साह और उमंग है। आदरणीय लालू प्रसाद जी 2-3 वर्षों के बाद वो वर्चुअली तरीके से उद्घाटन करेंगे। कल 11 बजे दिन में कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित करेंगे। सब लोग ऊर्जावान है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी को सुनने के बाद एक अलग ऊर्जा नेताओं कार्यकर्ताओं को प्राप्त होती है। इसलिए ये वर्षगांठ का आप देख लीजिए, पूरा दुल्हन की तरह राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय सजा हुआ है और राष्ट्रीय स्तर पर यह मनाया जाएगा। सर एक बात जानना चाहूँगा, कल या परसों एमएलए थे ने वो लोग देखिए, सभी लोग त्रस्त हैं। जब वर्तमान भी बगावत कर रहे हैं, बीजेपी के विधायक ने बगावत की, भ्रष्टाचार का सरकार पर आरोप लगाया, जेडीयू के माननीय मंत्री ने बगावत सरकार से की, कई पूर्व मंत्री पूर्व विधायक सब लोग तो यहाँ आ रहे हैं, उनमें तेजस्वी यादव जी में अपना भविष्य देख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ही जनता के हितों की बात करता है कि जन विरोधी, गरीब विरोधी, नौजवान विरोधी, किसान विरोधी सरकार में रहना कोई चाहता नहीं है। जनता भी आज ही जा चुकी है, जनता परेशान है, इसलिए सब की नज़र सभी नेता जो अपना भविष्य देख रहे हैं वो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं तेजस्वी जी के। जब तक देखिए, अभी तो कोरोना काल है और उनका तबीयत भी नासाज है। जब डॉक्टर की सलाह होगी, डॉक्टर इजाजत देंगे, वो बहुत जल्द पटना में उपस्थित। एक चीज और सर पूछना चाहेंगे आपसे, कल एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल का 25वां वर्षगांठ है, दूसरी ओर कल ये दो एलजेपी पार्टी वाले जो है आशीर्वाद यात्रा निकाल वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जयंती है, हम लोग भी श्रद्धांजलि देंगे। हम लोग सभी समाजवादी जयंती कल राष्ट्रीय जनता दल मनाएगी और वो जो अपना उनका पार्टी है वो अपना अपने तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोगों का समर्थन किसको रहेगा, वो अभी तो एनडीए में है, उनको ना तय करना है कहाँ रहेंगे क्या करेंगे, वो तय करेंगे तब ना। हम लोग तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, लालू प्रसाद जी का रिश्ता सबको पता है और हम लोग सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं का जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं। इसी तरह से एक बात और सर, बीच में उछाल में आई थी चिराग पासवान जी को तय करना है किसके साथ रहेंगे, किस विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे। तो चिराग पासवान जी आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन तय तो उनको करना ही है। जैसा कि आपने सुना, ये आरजेडी के प्रवक्ता थे, इन्होंने जो कुछ भी जानकारी दी आपने कुछ सुना और साथ ही उन्होंने ये कहा कल 25वां वर्षगांठ की तैयारी अच्छे से की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कल रामविलास पासवान का जयंती समारोह स्वर्गीय
रामविलास पासवान जी का जयंती समारोह है, जिनको इस चीज को भी ये लोग श्रद्धांजलि देंगे और अपने पार्टी में ये चिराग पासवान को आमंत्रित करते हैं अगर वो आना चाहते हैं। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए बने रहिए लाल मोबाइल बिहार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।